ये है गुरुकुल कुरुक्षेत्र का 180 एकड़ का फार्म। इस फार्म में कुछ ऐसा हो रहा है जो खेती की तस्वीर बदल सकता है, किसानों को खुशहाली की नई राह दिखा सकता है और हमें खाने में मिले जहर से होने वाली बीमारियों से बचा सकता है। आखिर गुरुकुल के इस फार्म में ऐसा क्या हो रहा है, पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। अक्सर हम सुनते हैं कि खेती किसानों के लिए लाभकारी नहीं रही, रासायनिक खाद, केमिकल और मशीनीकरण के कारण खेती में लागत बढ़ गई है और उत्पादन स्थिर हो गया है। ज्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान भाई और ज्यादा रासायनिक खाद और केमिकल डालते हैं, यही केमिकल हमारी थाली तक भी पहुंच रहा है। लेकिन गुरुकुल कुरुक्षेत्र के इस 180 एकड़ के फार्म में कोई रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड या केमिकल नहीं डाला जाता। गुरुकुल में खेती श्री सुभाष पालेकर जी द्वारा बताई गई पद्धति जीरो बजट प्राकृतिक खेती के आधार पर की जाती है। इसमें गाय के गोबर और गोमूत्र से जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करके खेतों में डाला जाता है और फसलों के अवशेष खेत में ही मिला दिए जाते हैं। इस तरह खेत में केवल प्राकृतिक चीजें ही डाली जाती हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के इन खेतों में न यूरिया का खर्च है, न पेस्टिसाइड का और न ही किसी केमिकल का, साथ ही फसलों की पैदावार भी अच्छी हो रही है। यह गुरुकुल कुरुक्षेत्र का 180 एकड़ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का 180 एकड़ का फार्म है। यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ, गेहूँ, गन्ना, सरसों, जितनी भी फसलें खड़ी हैं सभी जीरो बजट खेती पर आधारित हैं। इसमें मुख्य रूप से हम दो खाद यूज कर रहे हैं, घन जीवामृत और जीवामृत। इन दोनों खातों के डालने से किसी भी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, किसी तरह के प्रोडक्शन में कमी नहीं है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन और कोई बीमारी किसी भी फसल में नहीं देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम भी बीच बीच में चेकिंग करने के लिए आती रहती है। HAU हिसार से, मोदीपुरम से, PAU लुधियाना से, जालंधर से, तो साइंटिस्टों की टीम आती है, सारी फसलों का बीच बीच में निरीक्षण कर रही है, कहीं भी किसी तरह का कोई रोग नहीं मिल रहा है। पीछे जो धान की फसल थी हमारी, एवरेज 28 क्विंटल से लेकर के और 32 क्विंटल तक की PR वैरायटी की एवरेज रही है और जो बासमती की एवरेज रही है वो 11 क्विंटल से और 12 क्विंटल के आसपास रही है, तो किसी तरह का कोई उत्पादन कम नहीं है। केमिकल के जैसे ही दो बरसातें इस बार बहुत ज़्यादा पकी हुई फसल के ऊपर हुई, लेकिन सभी की फसलें बरसात में बिल्कुल ही नष्ट हो गई, नीचे गिर गई, लेकिन गुरुकुल फार्म पे कोई भी की फसल बिल्कुल नहीं गिरी, बहुत ही अच्छा धान यहाँ पे हुआ है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 180 एकड़ फार्म पे हम बाहर का कोई भी किसी तरह का खाद यूज नहीं कर रहे हैं, अपना केवल दो खाद हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, और साथ में जो पराली का है, धान का वेस्टेज है, गेहूं का वेस्टेज है, वो भी मिट्टी में मिला करके उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, उसको मिलाते हैं और किसी तरह का कोई उत्पादन कम नहीं होता। मेरी जो आसपास के किसान हैं, पूरे सभी किसानों से भी निवेदन है कोई इस तरह का इसको अपना करके देखें, उनको कहीं घाटा होने वाला नहीं होगा। जब मंडी में भी धान आप लेकर के जाएंगे तो उसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, अच्छे दाम पर आपको वहाँ पर इसके दाम मिलेंगे, तो किसान को घाटा इसमें कहीं भी होने वाला नहीं है। हमने जब शुरू में खेती की, कुछ एकड़ में 90 एकड़ में हम 10 साल से खेती कर रहे थे और कुछ हमने 50 एकड़ का जो ज़मीन है वो ठेके पे देते थे। जैसे ही मिट्टी की जांच कराई, जो हमारी ज़मीन पहले थी उसका कार्बन 0.87 तक था और जो केमिकल से खेती की जा रही थी वहाँ का 0.34 कार्बन था, लेकिन दो या तीन साल के अंदर ही वहाँ का भी कार्बन इस बार चेक कराया तो 0.87 तक। 17 प्लाट्स के हमने अलग अलग तरीके जगह से लेकर के मिट्टी की जांच कराई, तो यदि एक एवरेज मान ली जाए तो 0.87 तक का सभी खेतों का कार्बन बढ़ गया है। किसान के पास यदि एक घर पे देसी गाय है तो उससे बड़े अच्छे ढंग से वो अपने
30 एकड़ तक की खेती, 30 एकड़ किसी किसान पे, छोटे किसान पे अब नहीं रहे हैं, लेकिन जितने भी 5-7 एकड़ हैं तो एक गाय से बहुत ही अच्छी खेती कर सकता है। उसको शहर से किसी तरह का कोई प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी प्रोडक्ट उसके घर पे हैं और उससे बड़ा अच्छा खाद बना करके खेती की जा सकती है। किसी तरह का कोई प्रोडक्शन उसका कम नहीं होगा। यदि उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो गुरुकुल में आए और यहाँ सारी ट्रेनिंग लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका पैसा नहीं लिया जाएगा और यहाँ फ्री में उसका सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। किसान भाइयों, खेती को लाभकारी बनाने की शुरुआत होती है खर्च घटाने से। जीरो बजट खेती से हमें 3 फायदे होते हैं। एक तो हमारा खेती में खर्च घट जाता है, दूसरा जमीन की गुणवत्ता अच्छी होती है जिससे धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने लगता है, और तीसरा फसलों की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण उनके बाजार में भाव भी अच्छे मिलते हैं। जीरो बजट खेती करने से पहले किसान भाई इसकी पूरी जानकारी जरूर लें ताकि इसमें आपको फायदा हो। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जीरो बजट प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।